खबर रोहतास जिला से है, जहां कई मामलों में आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने में सक्षम थी। तो इधर रोहतास एसपी आशीष भारती ने अपनी स्पेशल टीम को गठित कर इन अपराधियों को धर दबोचा। आपको बताते चले, रोहतास एसपी आशीष भारती ने डेहरी स्थित पुलिस अधीक्षक कार्यालय में प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि डेहरी मुफस्सिल डालमियानगर राजपुर ससरा मुफस्सिल थाना क्षेत्रों में लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के सरगना सहित चार अपराध कर्मियों को पुलिस की विशेष टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 2 देसी कट्टा, 5 कारतूस, 3 मोटरसाइकिल, 6 मोबाइल लूटे गए रूपयों में से 81,200 को भी बरामद किया गया। इसके अलावा गिरफ्तार सभी अपराध कर्मियों का अन्य कांडों में संलिप्तता रहने की संभावना है। इसके संबंध में विस्तृत जानकारी भी इकट्ठा की जा रही है। वहीं रोहतास एसपी ने बताया, इस प्रकार के मामले में उद्भेदन, पैसे की बरामदगी होना रोहतास पुलिस की बड़ी उपलब्धि है। टीम में शामिल सभी पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल को पुरस्कृत करने की बात कही। रोहतास से आरपी भारत के लिए कैमरामैन प्रिंस कुमार के साथ रोहित सिंह की रिपोर्ट। कुछ लूटपाट की घटनाएं घटित हुई थी, जिसको काफी गंभीरता से लिया गया था और उसके उद्भेदन के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें जो हमारे एएसपी डेहरी, एएसपी सासाराम और डीएसपी प्रोफेशनल्स और हमारी जो विशेष सूचना इकाई है उसके सदस्य और संबंधित थानाध्यक्ष की टीम थी। इनके द्वारा लूटपाट की घटना को रोकथाम के लिए जो अपराधी हैं उनकी शिनाख्त कर उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा था। इसी क्रम में ऐसी जानकारी मिली कि अपराधी हैं वो सोरा हवाई अड्डा के पास एकत्रित होकर के लूटपाट की घटना को अंजाम देने के लिए एकत्रित हुए हैं और इस सूचना के सत्यापन तथा आवश्यक कार्रवाई के लिए उस विशेष टीम के द्वारा छापेमारी की गई। तो 2 अपाची मोटरसाइकिल के साथ अपराधकर्मी लाल कृष्णा गुप्ता, पिता प्रदीप कुमार गुप्ता जो कि डेहरी टाउन क्षेत्र का रहने वाला है, राहुल कुमार, सन्नी सिंह जो कि फजलगंज सासाराम नगर का रहने वाला है और दानिश खान जो कि सासाराम नगर का तकिया का रहने वाला है, इनको 2 देसी कट्टा और 5 जिंदा कारतूस और 2 मोटरसाइकिल इनके पास से बरामद किया गया है। इन लोगों से जो पूछताछ की गई है, इन्होंने अभी तक जो डेहरी मुफस्सिल थाना अंतर्गत तेंदुआ के पास पुरानी जीटी रोड पर अमेजन कंपनी के जो प्रबंधक हैं उनसे जो लूटपाट की घटना हुई थी 3 अप्रैल को, उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। राजपुर थाना क्षेत्र में अकोरी गोला राजपुर रोड में 5 अप्रैल को लूटपाट की घटना घटित की गई थी राजन कुमार जी के साथ, उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है, जिस संबंध में राजपुर थाना कांड संख्या 59/21 दर्ज किया गया था। साथ ही साथ सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र में पुरानी जीटी रोड बाईपास में बासा के पास करबंदिया पेट्रोल पंप के पास जो पेट्रोल पंप के प्रबंधक थे उनसे पैसे की लूटपाट की गई थी, जिस संबंध में सासाराम मुफस्सिल थाना कांड संख्या 163/21 दर्ज किया गया था, उसमें अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। और साथ ही साथ डालमिया नगर ओपी अंतर्गत मकराइन पुल के पास अशोक कुमार सिंह से अपराधियों द्वारा लूटपाट की घटना की गई थी, जिस संबंध में 249/21 कांड दर्ज किया गया था। इनसे जो पूछताछ की गई है तो इनका एक बहुत बड़ा गिरोह है जो कि न सिर्फ लूटपाट की घटना करते हैं बल्कि ये शराब का व्यवसाय करते हैं और साथ ही साथ लूटपाट की घटना करते हैं और इसके अलावा जो हथियार भी ये सप्लाई करते हैं। ये जो कृष्णा गुप्ता है वो अभी मंटू गुप्ता जो पकड़ाया है उसका ये भांजा है और इस पूरे गिरोह में और भी कुछ लोग हैं जो कि अभी फरार चल रहे हैं, उनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। इन सभी लोगों की गिरफ्तारी से एक बहुत बड़ा आपराधिक गिरोह यहाँ पे रोहतास जिले का ये पकड़ा गया है और इससे निस्संदेह जो आपराधिक घटना है उसमें कमी है। दान निर्माण का भरोसा लाल स्टील जीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील जीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती।